एक बार की बात है, कभी किसी ने एक घंटी साधु को एक चमड़े की धोती दंड में दे डाली। उसे पहनकर वह साधु अन्य साधुओं से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा। एक दिन वह उस वस्त्र को पहनकर भिक्षाटन के लिए घूम रहा था। रास्ते में उसे एक बड़ा सा जंगली भेड़ मिल गया। वह भेड़ पीछे को जाकर अपना सिर झटक झटक कर जोर जोर से हिलाने लगा। साधु को लगा कि निश्चय ही वह भेड़ झुककर उसका अभिवादन करना चाहता था, क्योंकि वह एक श्रेष्ठ साधु था जिसके पास चमड़े के वस्त्र थे। तभी दूर से एक व्यापारी ने साधु को आगाह करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मत कर तू विश्वास किसी भी जानवर का, बनते हैं वे तुम्हारे पतन का कारण, पीछे जाकर फिर से करते हैं वो आक्रमण। रागीर इतना बोलते ही उस साधु पर उस भेड़ ने नुकीले सींगों से आक्रमण कर दिया। साधु नीचे गिर गया और उसका पेट फट गया। तुरंत उसने अपना दम तोड़ दिया। इस कहानी में साधु के घमंड और लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है।